आलिया भट्ट कांट कीप काम क्योंकि उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 100 करोड़ क्लब में एंटर हो चुकी है। ये पहली बार है जब आलिया की एक सोलो हीरोइन फिल्म ने इतना सक्सेस देखा है। प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह और श्रद्धा कपूर ने आलिया को इस अचीवमेंट पे दी मुबारकबाद। आलिया इज नाउ एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द 100 करोड़ क्लब और इस बार उन्होंने ये कामयाबी अपने दम पे हासिल की है। ऑल्दो अजय देवगन प्लेड एन इम्पोर्टेंट कैमियो इन द फिल्म, आलिया ने गंगूबाई की जर्नी को इतनी खूबसूरती से और सेंसिटिविटी से पोर्ट्रे किया कि ऑडियंसेस उनके फैंस हो गए हैं। आलिया सेलिब्रेटेड गंगूबाई काठियावाड़ी एंटरिंग द 100 करोड़ क्लब विद अ डिलिशियस वीगन बर्गर एंड फ्राइज। आलिया ने अपना बर्गर एंजॉय करते हुए फोटोज शेयर किया और अपने पोस्ट को कैप्शन किया, हैप्पी सेंचुरी टू गंगूबाई एंड हैप्पी वीगन बर्गर प्लस फ्राई टू आलिया। कंग्रेचुलेटरी मैसेजेस हैव बीन पोरिंग इन फॉर आलिया और उनके कई कॉलीग्स और दोस्तों ने 100 करोड़ के रेवेन्यू के लिए मुबारकबाद दी। प्रियंका चोपड़ा, जो आलिया के साथ फिल्म करने जा रही हैं, कमेंटेड ऑन हर पोस्ट एंड सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यम यम। आलिया के कोस्टा और फ्रेंड रणवीर सिंह ने भी आलिया के सक्सेस पोस्ट पे कमेंट किया और कहा, नॉम नॉम, टीजिंग हर अबाउट द बिग बर्गर शी वाज एंजॉयिंग। श्रद्धा कपूर ने भी आलिया को मुबारकबाद दी और कहा, वूहू, स्मैशिंग इट एंड हाउ फेलो फिश। आलिया की मां सोनी राजदान ने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि उनकी बेटी एक स्वीट सी बच्ची लग रही है। शी रोट, एंड हियर यू लुक लाइक अ स्वीट गर्ल फ्रॉम रोमानिया और समथिंग। वाकई आलिया, दिस अचीवमेंट इज ट्रूली स्पेशल एंड टू बोरो गंगूज डायलॉग, आप सुपरस्टार थी और हमेशा सुपरस्टार रहेंगी। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।